कुछ था नहीं, मैं कुछ रहा था। ये आया था ये माउंट, ये स्टिकर, और दूसरा जो लक्ष्य था वो मैं दिखा दे रहा हूँ। ये बिल था, बिल की फोटो डाल दूँगा, बाकी ये चार्जिंग केबल और एक माउंट था, वो तो मैंने आपको दिखाई दिया। तो चलिए व्लॉग में मिलते हैं सीधा आपको। तो गाइस रिकॉर्डर ऑन है, कोल्ड स्टार्ट देते हैं बाइक को। पेट्रोल भी लो है बड़ा बड़ा। कनाड्स देख सकते हैं आप, इसकी वीडियो ऊपर मिल जाएगी। चलिए वो हम हो चुके हैं, चलते हैं। जीरो जीरो ट्रिप जीरो दिखा रहा है। तो हे गाइस कैसे हैं आप लोग? तो पहली बार है मैं गोप्रो से व्लॉग कर रहा हूँ, पता नहीं मेरे को एंगल का भी अभी ठीक से नहीं पता, मेरे को माइक का भी ठीक से नहीं पता अभी कि माइक कैसा वर्क करे नहीं करे, क्योंकि माइक भी मैंने अभी लगाया है और पता नहीं है कुछ कि कैसा वर्क करे ना करे। तो निकले एक शॉर्ट राइड में, पेट्रोल कम है, पहले पेट्रोल डलवा लें, पहले पेट्रोल डलवाते हैं फिर बात करते हैं आपसे कि एक हफ्ते से वीडियो क्यों नहीं आ पा रही थी, एक हफ्ते से क्या रीज़न था वीडियोस नहीं आ पा रही थी। मेरे पास पता है बैकअप वीडियोस रहती है, मेरे बैकअप वीडियोस भी नहीं थी, सबसे बड़ी गलती मेरी ये हो गई। ओहो ऑप्शन बैंक देख रहे हैं आप, आपने अगर प्योर साउंड वीडियो नहीं देखी तो वो जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं, मेरे को इसकी वो भी डलवानी, क्या कहते हैं माइलेज की वीडियो भी लानी है, वो ही पेंडिंग है मेरी। गाइस ज़रूर बताइएगा एग्जॉस्ट कैसा साउंड कर रहा है। और चलिए पहले पेट्रोल डलवाते हैं फिर आपसे बात करते हैं, हवा भी चेक करा लेंगे। क्या वो भैया नहीं डल रहा पेट्रोल अभी? अच्छा ठीक है। तो कह रहे हैं कि अभी पता नहीं क्या अपडेट नहीं आया, सुबह सुबह डर नहीं रहा इनके बाद ही बैठो। अभी टाइम कितना हुआ है? टाइम हो गया है 5:52, तो टाइम 5:52 हो चुका है, तो पता नहीं इस समय डल तो जाना चाहिए था, डल भी नहीं रहा। दूसरे पेट्रोल पंप चेक कर लेते हैं, वरना हमें तो जाना ही है कैन की तरफ, कैन का भी देख ही लेंगे एक बार। तो मैं बात कर रहा था अपने कैमरा की, तो मेरे कैमरे की वजह से वीडियो नहीं आ पा रही थी।
मैंने अभी अभी नया लिया है GoPro Hero 7 और मेरे को पता भी नहीं था इतना कुछ। और एक हफ्ते मैं तो पहले दिल्ली गया हुआ था, दिल्ली में मैंने जाके पता किया कि GoPro कहाँ मिलेगा। फिर चांदनी चौक में एक दुकान है गोलू फोटोज़ करके, तो मैं वहाँ पे गया तो उनके पास था हीरो 7 ब्लैक और किसी के पास नहीं था। मेरे को लेना भी हीरो 7 ब्लैक ही था क्योंकि 8 ब्लैक के हैंग इशूज़ कुछ ज़्यादा ही आ रहे थे। मैंने बात करी थी अपने भैया से जिनके पास 7 ब्लैक ऑलरेडी है, तो वो कह रहे थे अगर तेरे को व्लॉगिंग करनी है तो तू 7 ब्लैक भी जा। तो हेयर इट इज़ मेरा 7 ब्लैक। अब दिक्कत ये हुई कि मैं दिल्ली तो आ गया था 3-4 दिन पहले, वीडियोस क्यों नहीं आ पाए, तो बीच में इसमें आ गया था SD कार्ड एरर। ठीक है, SD कार्ड एरर आ गया, तो मतलब मैंने बहुत बार ट्राई किया दूसरे SD कार्ड लगाया क्योंकि दूसरे GoPro में यही वाला SD कार्ड वो चल रहा था लेकिन इसमें वर्क ही नहीं कर रहा था, पता नहीं क्या हुआ। तो मैंने फिर उनसे बात करी, हम्बल बंदे थे, उनने मेरी प्रॉब्लम सुनी है कि आपका मैं चेंज कर दूँगा। तो बात करी और चेंज हो ही गया फाइनली, अब ये आया मेरे हाथ में। इस तो यही रीज़न था। और आप, मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि आप गोल फोटोज़ लो क्योंकि बहुत महंगा दे रहे हैं वो लोग, मतलब हद महंगा। मेरे को 24,500 का पड़ा और अगर मैं कहीं और से लेता ये तो मेरे को थोड़ा सस्ता मिल जाता मेरे ख्याल से, लेकिन चलिए कोई बात नहीं है, जो हो गया हो गया, जो हो गया अच्छे के लिए ही होता है। बाकी देखते हैं, आपको अच्छे से ब्लॉग आते रहेंगे, क्वालिटी आपको बेस्ट मिलती रहेगी, यही ट्राई करेंगे कि आपको बेस्ट मिले। और मैं बस यही कहूँगा कि आप जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है गोलू फोटोज़ के साथ, एक पहले तो कैमरा ही मेरे को उन्होंने गलत दे दिया, चलो ठीक है चेंज भी कर दिया, बात सही है। और लेकिन बस यही है कि अगर पहले ही अच्छा मिल जाता, थोड़ा सस्ता मिलता तो ज़्यादा अच्छा रहता। बाकी महंगा है, अगर आप देखना चाहते महंगा लेना चाहते तो महंगा ले लीजिए। और बिल विल सब मिला है, ये तो इसके लिए मैं कहूँगा क्योंकि मैंने महंगा इसलिए लिया है, मेरे को बिल की बहुत इशू हो रहे थे। एक मेरे को GoPro का डीलर था वो मेरे को दे रहा था 20,000 में, मेरे को एक्स्ट्रा बैटरी भी दे रहा था लेकिन क्या कहते हैं, वो कह रहा था कि बिल मैं 2 दिन बाद भेजूँगा, तो मैंने रिस्क ना लेके मैंने ये ले लिया, दिल्ली चला गया क्योंकि दिल्ली तो मेरे को जाना ही था, मेरे को एक काम भी था और फिर ये वाला काम भी हो गया मेरा, तो उस वजह से दोनों काम निकल ही गए मेरे। और गाइस वी रिसेंटली हिटेड 4K सब्सक्राइबर, तो थैंक यू गाइस, आपके बिना ये हो नहीं सकता था। अब 5K भी जल्दी जल्दी करा दो। एग्जॉस्ट की वीडियो अगर नहीं देखी तो देख लीजिएगा, ये कनाड्स हैं, मैं छोटे कनाड वो मिनी कनाड्स उन लोगों ने निकाले प्रोजेक्ट मोटर कनाड ने, जिसके वाले कनाड्स हैं, मैं सोच रहा हूँ कि वो अगर लगा सकूँ वो मैं नीचे की तरफ लगाऊँगा, वो भी देख रहा हूँ। इससे बहुत फ़ायदा पड़ा है मेरे को, विद एग्जॉस्ट मैं टॉप स्पीड गया हूँ 141, और 141 मैं स्टॉक के साथ गया था पहले, और अगर अब मैं स्टॉक लगाता हूँ क्योंकि अब मैं सोच ही रहा हूँ कि मैं चेंज करूँ इसको और मैं जल्दी स्टॉक में चले जाऊँगा। बाकी देखते हैं, स्टॉक की वीडियो आपको मिल ही जाएगी। हम लोग एक जल्दी रोड ट्रिप भी बना रहे हैं, आपको पता चल जाएगा, और स्टॉक बल्कि स्टॉक ही जाएगी उसमें, और ये क्या कहते हैं मिरर्स भी हमारे लग जाएंगे। तो बस अभी तो यही था इस वीडियो, पहले पेट्रोल डलवा लेते हैं। और हाँ गाइस, मेरे को एकदम से याद आ गई भी बताना था मेरे को कि आप जो पेट्रोल है वो सुबह या शाम में डलवाया करें, मतलब जब धूप ना, क्योंकि जब धूप होती है तो पेट्रोल की जो डेंसिटी होती है वो कम या बढ़ जाती है जिससे पेट्रोल कम आता है। अब या तो सुबह डलवा लें आप, तो सुबह डलवाने फ़ायदा है। ये हमारा क्या कहते हैं इसे, याद नहीं आ रहा कौन सा पार्क है, ये पुलिस वाले खड़े होंगे। हमारा लाउड एग्जॉस्ट है नहीं ज़्यादा, मतलब लाउड है हाँ पर इतना भी नहीं है कि मतलब पुलिस वाले रोक ही दे। अभी पहले इसमें पेट्रोल डलवाते हैं, ये क्या हो रहा था भाई,
पेट्रोल डल जाएगा, डलवाते आज फुली करवा लेते 600 रुपए का, देखते हैं कितना आता है। 600 डाल दो भैया, 600 का फुल हो ही जाएगा जहाँ तक है। खाली पड़ा है बिल्कुल। इसकी माइलेज वीडियो बनानी है भैया, देख के क्या कर दिया यार ये। ऑलमोस्ट हो ही गया, पूरा नहीं हुआ। चलिए आगे चलते, पहले मीटर रीसेट कर लेते हैं। ऑक्टेन भी आ गया यहाँ पर, देखते हैं कितना माइलेज देती है हमारी गाड़ी। एवरेज तो 51 दिखा रहा है। ट्रिप 2 0 चल गया। ये एग्जॉस्ट की आवाज़ जो सुन रहे हैं, इसकी प्योर साउंड मैंने बना रखी है। दो प्योर साउंड बनी हुई है, एक NS के साथ थोड़ा सा कुक करते हुए और एक नॉर्मल, तो वो आप देखिएगा ज़रूर उसमें होगी। मैं वरना ऊपर आई लिंक में बटन डाल दूंगा, बीच में मेरा लैपटॉप भी ख़राब हो गया था तो मैं चला भी नहीं पाया था ठीक से। तो बस दैट्स इट गाइस, इस ब्लॉग के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।